लुधियाना के सर्किट हाउस में सुनील जाखड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाखड़ ने कहा, लुधियाना में कैप्टन साहब ने आना, मगर वह व्यस्तता के कारण नहीं आ सके, इसलिए वह खुद उनकी जगह पर आए हैं। नोटबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि आज भिखारी और व्यापारी दोनों परेशान हैं। आने वाले दिनों में पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराने वाली है। मोदी खुद को मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिक्स समझते हैं। केजरीवाल द्वारा सर्कुलेट किए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह के अकाउंट नंबर 2 साल से मोदी के पास है, ये कोई नए नंबर नहीं। वैसे सुखबीर सिंह भी पानी वाली बस का जुगाड़ जुटाने में लगे हुए हैं। उधर किसान मर रहे हैं और सुखबीर पानी वाली बसों के जुगाड़ चला रहा है। बठिंडा में अपने सहूलत के लिए बादलों ने एयरपोर्ट बनवाए, जबकि लुधियाना में इंडस्ट्री के लोगों को एयरपोर्ट की सबसे अधिक जरूरत थी। 61 सीटों में से कुछ सीटों पर हो रहे विवाद पर कुछ बोलने पर जाखड़ ने साफ तौर पर मना कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जाखड़ व्यापारियों के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए विश्वकर्मा चौक पर निकल गए, जहां व्यापारियों के साथ वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। लुधियाना से अरुण भोगल। अज जिहड़े काम वास्ते असीं इत्थे आए हैं वह है नोटबंदी नूं लैके, जिहड़ा नोटबंदी का असर पंजाब दे इकोनॉमी दे उत्ते, पंजाब दे वर्कर दे उत्ते ते पंजाब दे आम आदमी जिहड़े आम जनता है उहदे उत्ते जो प्रभाव पिया उहनूं लैके अज हालात आ है। नोटबंदी के बाद पंजाब दा व्यापारी भी परेशान ते पंजाब दे विच भिखारी भी परेशान, किसान भी परेशान ते शहरां च ते पिंडां च बैठे लोग भी सारे परेशान। ते आ परेशानी जिहड़ी है कल्ली नोटां नूं लैण वास्ते, अपना कमाई लैण वास्ते बैंकां दे अगे खड़े होण तां ही सीमित नहीं है। इहदा जिहड़ा प्रभाव है आने वाले दिनां दे विच जदों पंजाब दी सारी अर्थव्यवस्था, चाहे वह दुकानदारी नूं लैके है, चाहे वह प्रॉपर्टी के काम नूं लैके है, चाहे पुरानी कारां दे, पुराने ट्रैक्टर, पुराने मोटरसाइकलों की लैण देण नूं लैके है, आ सारे व्यापार ठप होण दे कगार ते है। बिकॉज पैसे सर्कुलेशन च आण दे बाद भी लोगों की जिहड़ी मानसिकता है चंगे माड़े वक्तों वास्ते पैसे बचा के रखण दी, पहला लोग अपना जिहड़ा पैसा हुण इन्हां ने खिंच लिया बैंकां दे विच अपने धनाड साथियों नूं, अडानी साहब नूं, अंबानी साहब नूं देण वास्ते पहला अपना घरां दे विच ओह इकट्ठा करनगे, ना कि जाके कितें मोबाइल खरीदणगे या कोई मोटरसाइकिल खरीदणगे या कोई फ्लैट खरीदणगे। इहदे करके मेरा मनना है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के उत्ते जिहड़ी पहला ही बंद होण दे कगार ते सीगी, फैक्ट्रियां पंजाब चों बाहर जा रहियां सीगियां ओह फिर बंदी दे कगार ते है। जिहड़े लोग इत्थे काम करन आए सी बठिंडे अपने, खास करके लुधियाणे दे विच फैक्ट्री ओनर्स ने अपने काम करन वाले करिंदा नूं आ कहा भी तुसीं 3-3 महीने 4-4 महीने अपने घरे जांदे रहो, साडे कोल देण नूं पैसा है नहीं, ना ही साडा व्यापार अगे वध सकदा है। एक बड़ी चिंता दा विषय है ते मोदी साहब ने शायद अपने आप नूं आ समझ के भी मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह दे वांगू एक बहुत वड्डा अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट हाँ, एक अजिहा फैसला लै लिया जो मैं समझदा भी कोई भी इकोनॉमिस्ट सही मायने च जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक समझदा वे वो नहीं सी लैंदा। आ एक बड़ा ही मंदभागा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंस होया पंजाब पूरे हिंदुस्तान दी अर्थव्यवस्था वास्ते। लोगों का मुद्दा है, जिहड़े लोगों के मुद्दे है वो इलैक्शन के मुद्दे होणगे, चाहे उहदे विच ड्रग्स का मुद्दा है, चाहे किसानी का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे आ जिहड़े लोगों नूं परेशानी है, सारे मुद्दे देखो वह नंबर जिहड़े है दे आर ऑलरेडी इन सर्कुलेशन, कैप्टन साहब हैज डिनाइड, कैप्टन साहब हैज फाइल्ड हिज रिप्लाई, उन्होंने कोर्ट दे विच सारा कुछ दे रखा है। इन्हां जिहड़े नंबरां दी गल कर रहे हो आ जेटली साहब कोल ते मोदी साहब दी सरकार कोल अज तों 2.5 साल पहलां वी सीगे, they have not been आई नंबर सीगे, दीज आर द सेम नंबर्स, दे आर पहला भी सर्कुलेशन च ही, अज भी सर्कुलेशन च है, कोई नवा खुलासा तो उन्होंने किया नहीं। जे कितें इहदे विच कोई सच्चाई होंदी तां मैं समझदा भी हुण तां ही जेटली साहब जो पंजाब दे लोकां ने उन्हां नूं फतवा दित्ता सीगा, जो कैप्टन साहब दे सामने उन्हां नूं करारी हार दा मूंह देखना पिया सी, उन्होंने देर लानी है, सो देयर इज नो ट्रूथ इन दिस।